नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर सभी प्यारे रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से लोगों का मुझे जो है मैसेज आ रहा है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। आशा करता हूँ कि आप में से भी जो है बहुत से विद्यार्थियों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। जो टेस्ट सीरीज चलाई गई थी चैनल के द्वारा, उससे जो है काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और काफ़ी सारे क्वेश्चन जीके में भी और हिंदी में भी जो है एज इट इज़ जो है देखने को मिले हैं। काफ़ी लोगों का जो है मुझे मैसेज मिला है और इस वीडियो में हम देखेंगे आंसर की, जो कि अभी हाल ही में जो है पेपर हुआ हिंदी का कुछ देर पहले, उसको ज़रा हम हल कर लेंगे। आपको आंसर की मैं बताऊंगा बकायदा विश्लेषण के साथ। ये सेट ए है सेट सीरीज़ का, और आप चेक कीजिए और मुझे बताइए कि 60 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। इसके बाद जो है मैं जीके का एक अलग एनालिसिस करूँगा, पूरी आंसर की उसकी भी बताऊँगा। सुबह तक आपको वो वीडियो मिल जाना चाहिए, नहीं तो रात में ही कोशिश रहेगी कि वो वीडियो मिल जाए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम बकायदा प्रश्न के साथ साथ जो है हल करते हुए चलेंगे, और जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रहेगा उस प्रश्न का विश्लेषण करने के संदर्भ में वो भी किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न जो कि इस परीक्षा में आया, पेपर काफ़ी सरल था। अधिकांश प्रश्न जो हैं पुराने प्रश्न पत्रों में से रिपीट हुए हैं, आप भी सहमत होंगे, और प्रश्न काफ़ी सरल थे। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों के कम से कम 50 प्रश्न जो है इसमें सही हो जाने चाहिए। कट ऑफ भी थोड़ी ऊपर बढ़ सकती है, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है वो काफ़ी सरल था और जीके भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, इस बार हिंदी के पेपर में एक खास बात यह थी कि प्रश्नों में विविधता थी, यानी कि जो प्रश्न थे वो काफ़ी डायनामिक बना रखे थे, क्योंकि कई बार शुद्ध पूछ लेता था, कई बार अशुद्ध पूछ लेता था, कई बार पर्यायवाची पूछ लेता था, तो कई बार कुछ और। तो प्रश्नों को ज़रा ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो है मिलान करते चलें कि आपने सही किया है कि गलत। पहला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना था। यहाँ पर जो सी है वो अशुद्ध है, पुनरुत्थान की स्पेलिंग जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना था। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है दृष्टा, वो सही लिखा गया है। आहार नहीं होता है, आहार होता है, रचयिता की स्पेलिंग भी गलत है। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों जो अशुद्ध है वो है बी, निरापराध नहीं होता है, निरअपराध होता है, ठीक है, आ की मात्रा नहीं होती है। उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, भास्कर भी सही है, और ऑप्शन ए भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, निरापराध, जो कि होना चाहिए निरअपराध। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना था, और यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, वैमनस्य बिल्कुल सही है, उत्कर्ष और वांग में ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चार का जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो होगा मिथिलेश कुमारी, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध बताना था, और यहाँ पर जो है वो है नौकरी, देखते ही समझ में आ रहा है, नौ पे डबल ओ की मात्रा आएगी तब जाकर ये बनता है नौकरी, और यहाँ पर बताना था अशुद्ध। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कई क्वेश्चनों में अशुद्ध पूछा है और कई में शुद्ध पूछा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना था। आपको याद होगा कि मैंने कई सारी जो है टेस्ट सीरीज जो करवाई थी वीडियोस के संदर्भ में हिंदी के, उसमें कई सारे जो है शुद्ध अशुद्ध में ऐसे प्रश्न आते थे। तो मैंने बताया था कि कभी भी अनेकों नहीं होता है, केवल और केवल अनेक होना चाहिए। तो ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर अनेकों वाला जो सेंटेंस है वो अशुद्ध है। यहाँ पर केवल होगा वह अनेक मामलों में गवाह था, ना कि अनेकों मामलों में। तो यहाँ पर छठवें का होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, और इसमें से जो है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सांसारिक होता है ना कि संसारिक। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये भी जो है गलत है। यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन सी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों आपको जिस भी प्रश्न में आपको लगता हो कि आपने सही लिखा है या आपने सही किया है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताना है, कभी भी एक गुलाब की माला नहीं होती है, ठीक है, ढेर सारे गुलाबों की माला होती है। तो यहाँ पर पढ़ते के साथ ही समझ में आ जा रहा है कि
कि आठवें का ऑप्शन डी जो है वो गलत है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाबों की माला होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो गलत है। अगले में भी अशुद्ध वाक्य जो है बताना है, तो इसमें जो होगा आप इतनी देर में क्यों आए, ये गलत है, बल्कि होना ये चाहिए आप इतनी देर से क्यों आए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर, यानी कि पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन बी, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, अगर आपने चैनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई होगी तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे टेस्ट में ये दो बार पूछा गया था। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ऑप्शन बी, असूर्यम पश्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा संविदा, यानी कि टेंडर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी। ठीक है, कई लोगों के बीच में आत्मनिर्भर ही हो सकता है, लेकिन ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वावलंबी। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही जवाब है ऑप्शन सी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 15, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है जिगीशु, और यहाँ पर है सही जवाब ऑप्शन सी। कई बार जो है किताबों में जिगीसा भी दिया होता है, वो भी सही होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिगीशु होगा, 15वें का जिगीशु। क्वेश्चन नंबर 16, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आपाद मस्तक। ठीक है, आपाद मस्तक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, दुराग्रह, यानी कि दुराग्रह, ऐसा आग्रह जो कि अनुचित है वो दुराग्रह में आता है। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ऑफिशियल जो आदेश होता है उसको अध्यादेश कहा जाता है, ऑप्शन बी। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रवत्तस्य पतिका, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रवत्तस्य पतिका। पृथक का सही विलोम क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तन्वी। सूक्ष्म, दुर्बल, शाश्वत, ये स्थूल के विलोम होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म जो है वो कौन सा है, सही शब्द बताना है विलोम की दृष्टि से। जो सही है वो है ऑप्शन सी, जारज का होगा ओरस। क्वेश्चन नंबर 27, विलोम शब्दों का सही कपल इनमें से कौन सा होगा, सही युग्म जो है कौन सा है, इप्सित का होता है अनिप्सित, तो इसलिए ये गलत है, यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, हया का बेहया। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, वो है ऑप्शन ए, दक्षिण, यानी कि दक्षिणपंथी, सुना होगा कई बार क्वेश्चंस में दक्षिणपंथी, वामपंथी, तो दक्षिण का होता है उत्तर, तो यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है, ये क्वेश्चन है दोस्तों एक डाउटफुल लगा मुझे, क्योंकि अल्पज्ञ का भी बहुज्ञ होता है, कई जगह किताबों में सर्वज्ञ भी दिया हुआ है और कई किताबों में बहुज्ञ भी दिया हुआ है, और अज्ञ, अनभिज्ञ, ये भी जो है सही है, बाकी ये दोनों जो हैं ये गलत हैं। अब आयोग को देखना है कि 29 का क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑफिशियल आंसर की जब आएगी उसमें जो है क्या उसका उत्तर होगा। कई किताबों में मैंने देखा तो
अल्पज्ञ का बहुज्ञ भी एक जगह दे रखा है और सर्वज्ञ भी दे रखा है, और अज्ञ का अनभिज्ञ भी दे रखा है। अज्ञ मतलब कि किसी चीज का जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब कि उस चीज से बिल्कुल अनजान। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म जो है ए और डी दोनों ही लग रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, जो सर्वोत्तम सही लग रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। तीसवां, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है वो होगा सचल चल, ये दोनों एक ही बात है तो इसलिए विलोम तो है ही नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। बाकी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो विलोम शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है तीसवे का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। यहाँ पर कुल मिला के दो विशेषण हैं, ठीक है, बड़ा और ठग। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। इसमें दोस्तों कई लोगों ने विशेषण लगाया है और कईयों ने क्रिया विशेषण, और मेरे नज़रिए से जो दुष्चरित्र है वो विशेषण होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या होगा। उसका लड़का लंबा है, देखते ही समझ में आ गया कि लंबा जो है यहाँ पे विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 34, पांडु शब्द जो है ऑप्शन सी होगा, विशेषण और विशेष्य दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होता है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, यहाँ पर जो चतुर है वो विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 36, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इसमें जो विशेषण विशेष्य से संबंध नहीं है वो होगा ऑप्शन सी, पुलिस की लापरवाही। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। 37वां, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। देखिए, क्रोध से बनता है क्रोधी, और राह पर चलने वाला राही। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी डाउटफुल हो गया है, और इसमें ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोधी भी हो सकता है और राही भी। अधिकांश लोगों ने क्रोधी लगाया है, लेकिन राह पर चलने वाला भी जो है राही है, जो कि उसकी विशेषता है कि वो राह पर चल रहा है, ठीक है। तो राह उसकी विशेषता बता रहा है व्यक्ति विशेष की, तो यहाँ पर राही भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है। बाकी कंटक और चुनौती नहीं होंगे, इसमें जो डाउट है वो क्रोधी और राही में है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपके अनुसार क्या जवाब आपने लिखा है जरूर बताइएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाखों, संख्यावाचक विशेषण। विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें जो है विद्यार्थी वो विशेष्य है, ठीक है। टीका शब्द का पर्याय क्या होगा, व्याख्या। इसका जो है एक स्नैपशॉट मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, टीका का जो है वो व्याख्या होता है, व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि टीका का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन में व्याख्या, आलेख है, तो सही जो सर्वोत्तम आंसर होगा वो होगा व्याख्या। व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण और विवृत्ति भी कहा जाता है टीका को। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, यमुना का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं होगा वो है ऑप्शन डी, कलम कशा, कुलम कशा। विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है, बाण का। निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है तेज। कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, वो है शार्दुल। शार्दुल शब्द जो है वो शेर के लिए है, जबकि बाजी, तुरंग और हाय जो है घोड़े का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 46, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मार, ऑप्शन सी। धनंजय का पर्यायवाची जो है शब्द होगा वो होगा गुड़ाकेश, चेक कर लिया गया है, डाउटफुल नहीं है। इसकी स्नैपशॉट देख लीजिए, आप देख सकते हैं धनंजय। धनंजय का पर्यायवाची शब्द होंगे अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुड़ाकेश, गांधीवधर, श्वेतवाहना, विभित्सु, सव्यसाची। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में था वो था पहला ऑप्शन, यानी कि गुड़ाकेश, और गुड़ाकेश जो है वो धनंजय का पर्यायवाची होता है। तो इस हिसाब से ये प्रश्न का डाउट क्लियर हो गया है, गुड़ाकेश होगा, वो सही जवाब है ऑप्शन ए।
तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है धनंजय का, उनका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द, दोस्तों यहाँ पे आयोग द्वारा एक गलती की गई है, झक दे रखा है, जबकि जो है स्पेलिंग मिस्टेक है ये, यहाँ पर झश होना चाहिए। हालांकि जिन लोगों ने ए लगाया होगा उनका सही मान्य होना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक आयोग द्वारा है, मीन का जो है झश होता है। ठीक है, मीन का जो है स्नैपशॉट देख लीजिए पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में, ये देखिए मीन मछली को कहा जाता है, मत्स्य को, तो मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन, ये उत्तर प्रदेश लोअर में पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया है दो बार, तो झस होगा ना कि झक, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा आयोग द्वारा जो है, मुझे लगता है यही ऑफिशियल आंसर की में आंसर आएगा, तो ए होगा इसका छस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, केतु का पर्यायवाची नहीं है, वो होगा ऑप्शन डी ग्रह, झंडा पताका निशान जो है वो केतु का पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, तलवार का पर्यायवाची शब्द जो है वो होगा करवाल। ठीक है, करवाल जो इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। मिट्टी का तत्सम शब्द होगा मृतिका। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, जो तद्भव शब्द है वो है ऑप्शन सी ओझा। ठीक है, ओझा होगा यहाँ पे, कूप नहीं होगा, कूप जो है संस्कृत वर्ड है, उलूक भी और पुस्तक भी, तो ओझा इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। तद्भव शब्द बताना है ओझा। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है शाटिका, ऑप्शन ए। बारात का तत्सम रूप, जो बारात का तत्सम रूप जो है इस व्यक्ति विशेष ने ऑप्शन डी लिखा है वरयात्रा, लेकिन मेरे अनुसार ऑप्शन ए होगा। इसका भी मैं आपसे जो है जवाब चाहूँगा कमेंट्स के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 54 का, बारात का तत्सम रूप क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी तत्सम रूप बताना है। मोती का तत्सम रूप होता है ऑप्शन सी मुक्तक। क्वेश्चन नंबर 56, तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, वो होगा ऑप्शन सी आद्रक अद्रक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इक्ष जो है ईख का नहीं है, ईख के लिए जो तत्सम शब्द है वो होता है इक्षु, जो कि मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, तो यहाँ पर सी है आद्रक का अद्रक। ठीक है, तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो दीक्षा परीक्षा तत्सम, सूकर बलिवर तत्सम, वरिष्ठ कनिष्ठ तत्सम, लेकिन कपूत और सपूत जो है तद्भव शब्द दे दिया है, जबकि पूछा है कि तत्सम की दृष्टि से, जबकि होना चाहिए कुपुत्र और सुपुत्र, लेकिन है कपूत और सपूत, तो ये तद्भव शब्द है और यही जो है आपका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, कौन सा है वो, सरीसृप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन डी घर। श्रेष्ठी, ज्योत्सना, परीक्षा, ये तत्सम शब्द हैं। अखरोट, काफ़ी सारे लोगों ने, इवन इस कैंडिडेट ने भी जो है बताया कि परीक्षा में काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि अखरोट का अक्षवाट होगा, लेकिन वो गलत है। अखरोट का तत्सम रूप होता है अक्षोट, जबकि अक्षवाट जो है अखाड़े के लिए प्रयुक्त तत्सम शब्द है। ठीक है, तो बताइएगा कि इस कैंडिडेट का प्रश्न पत्र का हल जो है कैसा रहा, जो इन्होंने आंसर लगाया, कितने प्रश्न इनके सही हैं, और क्वेश्चन पेपर जो है मैंने अपने लेवल पे हल किया है, मैंने परीक्षा नहीं दी है लेकिन पेपर हल किया है। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये ज़रूर बताइएगा, मेरे को जानने की इच्छा रहेगी। क्या आज के पेपर में भी 50 से 55 प्रश्न आपके सही हैं, क्या मेरी मेहनत सफल हुई जो मैंने टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई थी चैनल के द्वारा, उससे आपको कितना लाभ हुआ, कमेंट्स के माध्यम से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो अगला वीडियो जो होगा, कोशिश रहेगी कि जीके के जो है हम दो पार्ट्स में 75 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन दो पार्ट्स में देखें सभी प्रश्नों के उत्तर को, और मुझे खुशी इस बात की है कि जीके में भी काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं हमारी जो करंट की जो सीरीज थी उसमें से आए हैं। तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपसे कभी भी कोई भी किसी भी तरह का डोनेशन चार्जेस कुछ नहीं लिया जाएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। ठीक है, आगे यूपी ट्रिपल एससी के जो युवा
विकास जो अधिकारी का जो एग्ज़ाम है उसकी जो है तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जाएगी और DSSB और IAS की परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज जो है चैनल द्वारा जो है शुरू की जाने वाली है। तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।